गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पानी गर्म कर लें बस, और उसके बाद फिर नई नई स्टार्ट हो जाएगी। पानी गर्म पानी। तो आज हम तातो पानी से या तो मारफा रुकेंगे या फिर प्रोग्राम है कि जॉनसन मुक्तिनाथ, ये दोनों करके फिर रात को मारफा में रुकूं। डिसाइड करते हैं और देखते हैं क्या होगा। और यार बाहर का ना सीरियसली नज़ारा ही अल्टीमेट है। रात को तो कुछ दिख नहीं पा रहा था, अगर आपको दिखाऊंगा ना आप कहोगे यार ये है क्या, इतना सॉलिड व्यू है ना बाहर का, बहुत ज़्यादा। यहाँ से एंट्रेंस है हमारे गेस्ट हाउस की, तातो पानी की। और ये पूरा गेस्ट हाउस है, स्टार्टिंग में ही है। सबसे पहला गेस्ट हाउस अगर है तो यही है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है मेन एंट्रेंस। और देख लो यहीं से है पहला हमारा रिसॉर्ट और गेस्ट हाउस जो भी बोलो आप। ये देखो नदी का भाव देखो, खतरनाक है यार, अद्भुत नज़ारे हैं भाई। एंट्रेंस हुई है, कल तो मैं ऐसे ही था भौकाल एक अलग ही अंधेरे का और रास्ते का। अब भाई एक जगह रुके हुए हैं तो आप ये देख सकते हो, मतलब ना ये वैली टाइप का है बिल्कुल, चारों तरफ खतरनाक तरीके से पहाड़ी पहाड़ है। और हम यहाँ पर रुके हुए भाई, हमारी धन्नो पूरी तरीके से तैयार हो गए, साफ सूफ कर दिया है जितना कर सकता था, बेसिक बेसिक, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाया, ठीक है बेसिक कर दिया। देखो तो भाई स्टार्ट कर दिया, गर्म हो गई है मेरी, इस वाले उसमें रुका था मैं रूम में, ब्रेकफास्ट हो गया, ग्रीन टी चल रही है, ग्रीन टी पी लेते हैं, अब निकलते हैं ना, हो गया आज का यहाँ का स्टे। अब जल्दी से जल्दी जॉनसन और मुक्तिनाथ वहाँ पहुँचते हैं, फिर वहाँ का देखते हैं क्या है यार। आज यार स्नो मिल जाए यार किसी भी तरीके से, सीरियसली स्नो के लिए ना अब तो एक ईगरनेस पूरी की पूरी ना, बस क्या बताऊँ मैं। सब लोग जहाँ पर भी देखो वहाँ स्नो ही स्नो है इंडिया में, और मैं यहाँ नेपाल आ गया, यहाँ स्नो ही नहीं है। तो सीरियसली एक अभी तक तो यही है, बाकी आगे देखते हैं, क्या पता उम्मीद पे दुनिया कायम है, मिल जाएगी, आई होप कि मिल जाएगी, मायूस नहीं होना पड़ेगा मुझे और ना आपको। भाई ये है जस्ट अभी होटल से निकलते के साथ ही ये पड़ता है हॉट वाटर, नेचुरल वाटर का जो है ना प्राकृतिक गर्म पानी का स्रोत है ये। तो अन्नपूर्णा 2 है या 1 है जो भी है, तातो पानी का ये प्राकृतिक कुंड है, ठीक है। देखो अब आपको ये यहाँ पीछे हमारे ये नदी बह रही है काली गंडकी, और इसी के जस्ट ये इस साइड में हमारे ये बैक में ये है प्राकृतिक कुंड, गर्म पानी का है। नहा तो लिया था यार मैं, तब नहाने की ज़रूरत तो है नहीं, जिसको जाना हो वो अपना यहाँ से जा कर के देख सकता है, आते वक्त में आप आओ या जाते वक्त में चले जाओ, जो भी है मतलब आप यहाँ नहा सकते हो। 150 रुपये लगता है नेपाली यहाँ नहाने का, ठीक है। तो नेचुरल वाटर है बट यार कंजर्व कर रखा है, तो पूरे मतलब पूरा चारों तरफ से इकट्ठा कर रखा है, तो उसकी वजह से अमाउंट लेते हैं ये 150 रुपये। कुछ लिखा हुआ है ये पढ़ लेना भाई, इसमें सल्फर वगैरह क्या क्या स्पेसिफिकेशन है वाटर की एनालिसिस करके उसके बारे में दिखा रखा है, ठीक है। प्लेस नॉट टू बी मिस्ड, मुक्तिनाथ 73 किलोमीटर्स, यहाँ से मुक्तिनाथ 73 किलोमीटर्स है, और रोड ठीक ठाक सी है आई थॉट, जैसा कि बताया है। बाकी फ़िलहाल की यहाँ की रोड तो आप देख लो, ठीक है। ये देखो ये ऑफ रोड का ना पूरा आनंद ही आनंद है यहाँ पर, देखो ये देखिए रास्ते को, एक तरफ नदी एक तरफ पहाड़, और खतरनाक वाला है सही में यार, बरसात में तो ये रास्ता खतरनाक हो जाता होगा, बहुत ही बुरा हाल, हर बार टूटता है ये, हर बार बनाते हैं हर साल टूटता है ये। तो जैसे कि अभी जहाँ होटल में रुका हुआ था वो कह रहे थे कि ये तो बहुत अच्छा रास्ता है, जब आप आ रहे हो बारिशों में आओ
तब आपको पता चलेगा, कई कई दिन बंद हो जाता है रास्ता, टूट जाता है, बंद हो जाता है, लोग फिर फंस जाते हैं। तो कैजुअलिटी तो छोड़ ही दो, वो तो अलग ही चीज़ है। अभी तो हम बस ये बात कर रहे हैं कि लोग ही फंस जाते हैं, आने जाने का रास्ता बिल्कुल ही बंद हो जाता है। देखो ये राइट हैंड साइड पे ना डैम है, ग्रे और सिल्वर से कलर में जो है ये डैम है। ये देखो भैया राइट में काली गंडकी और सामने ये पूरा टूटा हुआ है रास्ता, पूरा नीचे धंसा हुआ है। और भाई ये रहा एक छुटकू सा अभी फिलहाल का झरना, अगर यही चीज बारिशों में आ जाओ तो यहाँ नदी होगी पूरी पूरी एक। भाई साहब सही में यार वाकई में है तो जगह। भाई ये देखो पूरा रेत है, पूरा रेत, वो सामने देख रहे हो लैंडस्लाइड है, पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है खतरनाक तरीके से। तो सारा ट्रैफिक वहीं इंगेज्ड है, एक ही जगह रुका हुआ है सारा ट्रैफिक, इसीलिए ना इतनी देर से ना तो उधर से कोई आ रहा था ना इधर से कोई जा रहा था। ओह भाई गजब ही मनमोहक दृश्य है। ओए होए होए यही लगाया जाए। ये जो गाड़ी आ रही है ना सामने अर्टिगा, ये UP 53 नंबर है, और वो देखो पूरी फैमिली वहां उतर गई है इनकी, अकेले गाड़ी आ रही है यहाँ पर। और इस बंदे को आइडिया नहीं था जो चला रहा है, इसने YouTube पे देखा था वीडियोस कि रास्ते बहुत अच्छे हैं। तो अब यार ये चीज़ है, कोई भी बंदा डालता है यार YouTube पे वीडियोस, प्लीज़ डिफाइन कर दें कि फैमिली एंटरटेनमेंट हॉलीडे नहीं है, अगर आना है तो वही फ्लाइट आए, गाड़ी के साथ ना आए, गाड़ी का खेलने वाला रास्ता नहीं है ये बच्चों के। देखना कितने छोटे छोटे बच्चे हैं यार, अब पूरी फैमिली है। तो भाई बंदा मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि यार भैया अगर कोई इशू आएगा तो हेल्प कर देना, क्योंकि यार मेन चीज़ है ना चढ़ाई आ जाती है बीच बीच में, और जब चढ़ाई जाती है ना तो दिक्कत आती है, क्योंकि चढ़ाई के बाद आपकी गाड़ी का खुद का वेट होता है, अब आप पैसेंजर्स को बैठा रखा है तो उसके साथ वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अर्टिगा जैसी 1500 CC की गाड़ी जब आप हाइट पर लेके जाते हैं ना, और जब रेत होता है, मिट्टी होती है, नीचे पत्थर होता है, तो आप मोमेंटम नहीं बना पाते हो। तो जब मोमेंटम नहीं बना पाओगे तो आपको स्पीड से तो निकाल नहीं पाओगे, तो एक हल्की हल्की स्पीड से निकलेगी तो गाड़ी बैक मारती है। और फैमिली के साथ में यार प्लीज़ मत आइए, रिक्वेस्ट है यहाँ पर फ्लाइट से आइए अगर आना है आपको, और अगर आना है आप लोकल यहाँ की टैक्सी कर लीजिए, वो लोग लेकर के आ जाएंगे, बट अपनी गाड़ी से मत आइए, रास्ता बहुत खतरनाक है, रात का रास्ता नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता है, तो प्लीज़ हो सके तो अवॉइड करिएगा। बाकी अगर आपको एंटरटेनमेंट का शौक है, एडवेंचर का शौक है, तो आप आ सकते हो, मगर तब भी फैमिली को अवॉइड प्लीज़। भाई ये देखो ये सामने फैमिली खड़ी हुई है, भाई बोला तो था नहीं जा पाएगी, देखते हैं क्या सीन है। रोक 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 एक बार स्टार्ट करके फिर से एक बार देखना यार, पत्थर भी तो बहुत बड़े बड़े हैं ना। रस्सी रस्सी तो है मगर उससे जा नहीं पाएगी आपकी गाड़ी, वेट है बहुत ज्यादा। पीछे करो एक बार, थोड़ा सा पीछे से लाओ एक बार, लास्ट अटेम्प्ट करो, मोड़ो मत ना, पीछे है वो उस तरफ लगे ना, भाई हट जाओ। नहीं होगा, नहीं चढ़ पाएगी। पीछे जाओ, पीछे बिल्कुल पीछे,
पत्थर लगाए रखो, उसके पीछे पत्थर लगाए रही है, पीछे लगाए रही है, पीछे लगाइए उसके। भाई फाइनली इन लोगों को यहाँ से निकलवा दिया, इनकी गाड़ी को यहाँ से निकलवा दिया, वो पीछे था ना पूरा खराब था, वहाँ से निकलवाया। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम हर्षित श्रीवास्तव। हर्षित श्रीवास्तव हैं, ये गोरखपुर से हैं, पूरी फैमिली आई हुई है, अर्टिगा मैंने जो आपको बताया था वही है। चलो जी ओके, थैंक यू, आगे आगे ही चलते रहना मेरे, ठीक है? मैं पीछे ही जाऊँगा क्योंकि आप लोगों से हल्के ही जाऊँगा मैं, आप लोग निकल जाइएगा, ठीक है? भाई फाइनली इनको करा दिया, नेपाल में आकर के मेरा फर्स्ट रेस्क्यू है। फाइनली इन लोगों की गाड़ी निकलवा दी। पहले तो मैंने इनको सजेशन दिया था कि यार वापस चले जाओ, बट जो लोकल यहाँ के लोग थे, जो पुलिस पुलिस के लोग थे और जो यहाँ पर लोकल थे, उन्होंने कहा कि आगे इतना ज़्यादा ख़राब नहीं मिलेगा, तो आप एक बार यहाँ से ट्राई कर लो, अगर इनका यहाँ से निकल गया तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने कहा चलो भाई एक बार ट्राई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यार पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं, वापस जाने का लॉजिक तो नहीं बनता। बट मैंने सजेशन दिया था कि आप अकेले रुक जाते यहाँ पर, पूरी फैमिली रुक जाती और फिर टैक्सी वगैरह ले लेते, बट कोई नहीं निकल गई है गाड़ी। मगर यार सीरियसली किसी और को मैं सजेशन दूंगा कि कभी भी ऐसी गलती ना करें, पूरी फैमिली के साथ ऐसे ना आए।